तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं के अंग्रेजी के पेपर के सप्लीमेंट्री का जो पेपर होने वाला है उसकी पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 जुलाई को आपका कक्षा 11वीं का आपका अंग्रेजी का सप्लीमेंट्री का पेपर है MP में। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाएँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरी की पूरी आपकी ग्रामर कम्प्लीट करवाने वाला हूँ अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके सप्लीमेंट्री परीक्षा के पेपर में पूछी जाएगी और ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। तो देखिएगा, पेपर किस प्रकार का आता है ये तो आप सभी लोगों को पता है, मगर मैं यहाँ पर आपको जो बेसिक ग्रामर आएगी आपके पेपर में वो आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्री 2023 कक्षा 11 के आपके अंग्रेजी विषय के पेपर में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर हम एडवर्टाइजमेंट को ले तो एक तो आपको इस प्रकार का फोर सेल का एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट कर लेना है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ आपको एक विज्ञापन बनाना होगा फोर सेल के ऊपर। ये इतना कठिन नहीं होता जितना कि आप लोग कठिन इसको समझ लेते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे कि ये वॉशिंग मशीन का है तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन लिखा है। अगर आपको इसकी जगह पर कार का दे दिया जाए तो आपको वॉशिंग मशीन हटाकर सिर्फ यहाँ पर कार लिख देना है, बाकी चीज़ें A to Z ऐसी कैसी लिखनी है। और वहाँ पर जो उसने नाम दिया है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है KL शर्मा और मोबाइल नंबर, और उसमें अगर किसी का नाम दिया है तो ये आपको कर देना है। और ये जो है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाता है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से कम्प्लीट जरूर कर लें। और इसी के अलावा एक और मैं आपको बता देता हूँ, टू लेट का पोस्टर भी बिल्कुल आप लोगों के लिए, ये सॉरी पोस्टर नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट होता है, ये बिल्कुल ही सरल होता है। देखिए, अगर टू लेट का मतलब होता है किराए पर देना। अधिकतर जो व्यक्ति होते हैं किराए पर किस लिए देते हैं, ऑफिस के लिए, दुकान के लिए, गोडाउन के लिए, फिर ये बिल्डिंग के लिए। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको देख ले, टू लेट का तो ऐसा कैसे लिख कर आना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। थोड़ा सा पता जरूर इसमें से चेंज हो जाएगा और ये आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से याद जरूर रखिएगा। और इसके अलावा पोस्टर की बात की जाए तो ये देख सकती हो आप लोग, एक तो डोंट बी क्रूअल एनिमल का पोस्टर आप लोग बनाना सीख लेंगे अच्छे से, और इसके अलावा एक सेवट्री का जरूर सीख लें आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट टाइम की पोस्टर है और ये क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में पूछा जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग इसको भी अच्छे से बनाना सीख लें। और ये ऐसी चीज़ें आज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके पासिंग मार्क को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देंगी, और अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप लोग आसानी से पास हो जाओगे। अब देखिएगा, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये जो लेटर है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी के लिए आप सबसे पहले यानी कि लाउड स्पीकर के ऊपर आपको यहाँ पर लेटर लिखना होगा, और इसको आप लोग इस प्रकार से लिखना सीख लें। देखिएगा, ये जो पूरा मैंने बता दिया है, लाउड स्पीकर का पूरा लेटर आप लोग इस प्रकार से यहाँ से लिखना सीख लेंगे, टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट इंदौर एन एप्लीकेशन फॉर बैन यूज ऑफ लाउड स्पीकर। इस प्रकार से पूरी तरह से आप लोग इसको लिख लें और अच्छे से याद कर लें, ये आपके पेपर में पूछी जाएगी। और इसके अलावा एक चीज़ और देखिएगा, ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या TC की एप्लीकेशन भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ये भी आपके पेपर में पूछी जाएगी। तो आप लोग इस प्रकार से इसको अच्छे से याद कर लें। और इसके अलावा आगे बढ़ें तो यहाँ से एक आप लोग NSS कैम्प की ये एप्लीकेशन भी आप लोग तैयार कर लें, ये भी आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। तो आप सभी लोग इतना जरूर कर लें, इतना ग्रामर के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। और अगर आपको नोट मेकिंग समरी बनानी नहीं आती हो तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको उसके लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख लें। और एक सोडेट का प्रयोग भी पूछा जाता है तो उसका भी वीडियो मैं यहाँ पर दे दूँगा, आप लोग उसको भी बनाना सीख लें। अब चलेगा, अब आपके पेपर में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, आप लोग यहाँ से इनको पढ़ लें। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द अदर। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है इस पार्ट का, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और अच्छे से याद भी कर लें आप सभी लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम द, तो ये पूरी तरह से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आप लोग इसको भी देख लें। और एक प्रश्न का उत्तर ये लिखा गया है, आप लोग इसको भी देख लें और अच्छे से याद कर लें आप सभी लोग। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी देख लें आप सभी लोग। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द पोएट मैचेस। तो देखिएगा, पूरी तरह से आप लोग स्वयं पढ़ लें इसको और अच्छे से याद कर लेंगे इसको। और एक अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसके अलावा आगे ये क्वेश्चन लिखे हैं तो आप सभी लोग इसको पढ़ लें, ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है और ये क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है। और ये आगे के प्रश्न लिखे गए हैं, व्हाट वेयर द रिजल्ट ऑफ द CT स्कैन। तो CT स्कैन का ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर दिया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। और एक अगला क्वेश्चन ये लिखा है, ये इसका उत्तर लिखा है। और ये क्वेश्चन नंबर 14 ये लिखा है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन नंबर 15 के उत्तर को आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे।
और आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी लोग इनको अच्छे से याद कर लेंगे जो कि मैंने बताए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपके पेपर की काफ़ी सारी तैयारी आपकी यहां से कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।